स्वच्छ अभियान के ऊपर 1% सेस जो है पैसा वो तो जेब से निकालने में देर नहीं करी सरकार ने, लेकिन सफाई करने में जो है केवल फोटो अपॉर्चुनिटी करके और खत्म छोड़ दिया, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आपने फोटो भी खींचा आपने जिक्र किया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मंत्री जी ने ये बात कही, इनके जो PWD मंत्री हैं उन्होंने ये बात कही थी कि जो भी व्हाट्सएप के ऊपर आप डालेंगे तो 72 घंटे में उसको जो है रिपेयर कर देंगे, तो वो मैं व्हाट्सएप करने की कोशिश कर रही थी, वो व्हाट्सएप का नंबर नहीं मिला। सड़कों से रिलेटेड एक मुद्दा, अभी गुड़गांव के अंदर पिछले 24 घंटे होने मतलब है, लगातार जाम चल रहा है गुड़गांव के अंदर, साइबर सिटी के अंदर लगातार 24 घंटे से जाम चल रहा है, प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं, स्कूलों की 2 दिन की लगातार छुट्टियां कर दी गई और पोजिशन ये है कि वहाँ आवाजावा कंट्रोल नहीं हो पा रहा, जाम लगा हुआ है लगातार 24 घंटे होने। हाथ पैर फूल जाते हैं थोड़ा सा नहीं कोई कार्रवाई होती है, क्योंकि इनको अनुभव ही नहीं है किस तरह से गवर्नेंस करी जाए। आज गवर्नेंस की धजियाँ उड़ी हुई लगा रही है सारे, आप सामने नजर आ ही रहा है, उसी के कारण ये सब। अगर इसी मुद्दे को लेकर चले तो आज जिमखाना बुक करने गए थे लेकिन जिमखाना बुक नहीं हो पाया, प्लीज के लिए क्या कहना? ये जो मेरे आनंद ने बताया ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए या किसी भी काम के लिए कोई भी व्यक्ति अगर अपने जा रहे हैं, मेंबर जा रहे हैं, और फिर ये कहा जाता है कि वहाँ पे क्योंकि किरण चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है वो नहीं हम होने देंगे, तो ये तो इससे बढ़ के और क्या दुर्भाग्य की बात है। ये तो स्पष्ट नज़र आता है इसको कि ये बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से डरते हैं कि हम क्या बोलेंगे। हाई कोर्ट में 3 PIL डाली गई थी, आज नोटिस किया है हाई कोर्ट ने, तीनों मंत्रियों को जो है नव नियुक्त किए हैं 3 मंत्री, और सरकार को नोटिस किया, उसका जवाब मांगा है हाई कोर्ट। देखिए सरकार का जो निर्धारित, और अगर वो निर्धारित स्ट्रेंथ से ज़्यादा अगर होता है तो दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनली आप गलत काम कर रहे हैं।